रहे हैं उसके लिए चाहिए अपने को मैक्रोनी, ब्रोकोली, चीज, अमूल गार्लिक बटर एंड मिल्क। तो अभी हम ब्रोकोली को स्टीम कर लेंगे, तो उसके लिए हम इसको, अभी ये स्टीमर है इसमें डालना है ब्रोकोली को, मैं इसमें निकाल लेती हूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए हम बॉईल करने के लिए रख जाएंगे। यस, नाउ ब्रोकोली इज रेडी। अब हम करेंगे मैक्रोनी को बॉईल, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट नमक ऐड करना है। पानी जब बॉईल हो जाएगा तब हम उसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम ये मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अब ये बॉईल हो रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा स्टर करते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है, ठीक है। चलिए, जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है तब तक हम व्हाइट सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम डालेंगे बटर। बटर को थोड़ा मेल्ट होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक, लहसुन। इस तरीके से हम लहसुन को ऐड करेंगे। बटर अब मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। 2 टेबलस्पून मैदा है, अच्छे से इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे। मैदा इसके लिए ऐड करने वाले हैं क्योंकि अपना जो सॉस है वो थोड़ा क्रीमी एंड ऐसे मस्त गाढ़ा बन जाए। इसको बस अभी थोड़ा सा ही चलाना है, ब्राउन नहीं होने देना, नहीं तो आपका व्हाइट सॉस ब्राउन हो जाएगा। नाउ विल ऐड मिल्क। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालने वाले हैं, नहीं तो लम्स बन सकते हैं। सो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे मिल्क को, और सॉस हमारा थिक बन जाए, ऐसे ट्राई करेंगे। इसमें फिर से दूध डालेंगे और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है इस तरीके से। देखिए, ऐसे करते करते हमने करीबन आधा लीटर दूध इसमें यूज किया है। तो इसको ऐसे स्टर करते रहना है जब तक इसका जो टेक्सचर है वो थिक, ज्यादा भी थिक नहीं बट थिक बनना है। अब हम 2 चीज स्लाइसेस डालेंगे एंड इसको मेल्ट होने देना है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जायफल, अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी मैक्रोनी बॉईल होके रेडी है, देखिए देखिए इसमें जरा सी भी लम्स नहीं है, अच्छे से कंसिस्टेंसी आ गया है इसका। अब इसमें हम डालेंगे हर्ब्स, ये मिक्स हर्ब्स हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक एज पर योर टेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी, इसको हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। लो सीम पे इसको रखने वाले हैं थोड़ा ढक के। देखिए, पैन में अब हमने बटर ले लिया है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, इसको मेल्ट होने देना है। हमने ब्रोकोली ऐड कर दिया है, अब इसमें जाएगा नमक, अगेन एज पर योर टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च, के रख देंगे 1 or 2 मिनट्स के लिए। ब्रोकोली इसमें ऐड कर देंगे, अभी इसे मिक्स कर लेना है। ये मैक्रोनी इज रेडी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो बट यहाँ पे मैं इसको बेक करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये एक बाउल लिया है जिसमें मैं सब कुछ ऐड करने वाली हूँ अभी। तब तक ओवन को प्री हीट पे करके रखना है। देखिए कितना मस्त क्रीमी मैक्रोनी बना है ब्रोकोली के साथ। इसमें
में जाने वाला ब्रोकोली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट हर्ब्स दैट मेन इंग्रेडिएंट इज दैट ब्लैक पेपर पाउडर वो जितना स्ट्रांग है उतना स्मेल बहुत अच्छा था एंड टेस्ट ओ माई गॉड बहुत अच्छा है सो अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे करने से पहले लास्ट स्टेप इज हम उसमें चीज ऐड करेंगे सो अच्छे से चीज को एवरी जगह पे ऐड कर लेना है देखिए चीज कैसे पूरा फिल करना है